नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों और आगामी कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। कर्नाटक में मिली हार पर कहा कि कर्नाटक पर क्या चर्चा करनी, चर्चा हम अपने मध्य प्रदेश के विकास को लेकर करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पूरे देश में उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। बैठक में विभिन्न विषयों को लेकर रणनीति बनेगी। सुशासन के 9 साल पूरे हुए हैं, उसके लिए विशेष कैंपेन चलाया जाएगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की बैठक हुई है। इसमें प्रदेश और केंद्र के नेताओं ने शिरकत की है, जिसके बाद वीडी शर्मा ने कहा है कि हम कर्नाटक की हार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पूरे देश में उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। बैठक में विभिन्न विषयों को लेकर रणनीति बनेगी। सुशासन के 9 साल पूरे हुए हैं, उसके लिए विशेष कैंपेन चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश से खबर आपको बता रहे हैं, जब बीजेपी की इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमीन बेग लाइव जुड़ चुके हैं। अमीन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैठक में कई बात कही है। बीजेपी की जो बैठक हुई है, इसमें क्या कुछ चर्चा की गई है? ये बहुत बड़ी बैठक अब तक की मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में न सिर्फ कार्य समिति के सदस्य शामिल हैं, बल्कि आप देखिए कि इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, शिवराज सिंह कैबिनेट के सदस्य हैं, जो जिले के जो प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, वो इसमें शामिल है, मंडल के अध्यक्ष इसमें शामिल है। यहाँ तक कि जो बूथ लेवल के जो अध्यक्ष होते हैं, बूथ पेज प्रमुख जो होते हैं, वो सभी को इस बैठक में शामिल किया गया है। लगभग 1200 जो लोग हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। अभी ये बैठक चल रही है। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो निवास के लिए निकल गए हैं और थोड़ी देर बाद जो है वो वापस फिर दोबारा इस बैठक को अटेंड करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि चुनाव बहुत नज़दीक है और उससे पहले ये कार्य समिति की बैठक में जो चर्चा की जा रही है वो आगामी समय में जो है वो हमको ज़मीन पर होती हुई नज़र आएगी। ख़ासतौर पर अरुण, अगर इस पूरे बैठक की बात कर ली जाए तो शुरुआत जो थी वो हमने देखा कि बीडी शर्मा के अभिभाषण से शुरुआत हुई और साफ तौर पर अभिभाषण में ही ये क्लियर हो गया था कि किन किन मुद्दों पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। ख़ास तौर पर सबसे प्रमुख अगर बात कर ली जाए तो ख़ास तौर पर इस पूरी कार्य समिति का जो मुख्य बिंदु रहा वो रहा हमारे जो कार्यकर्ता हैं, ख़ासतौर पर जो वरिष्ठ नेता हैं जिनकी नाराज़गी पार्टी को झेलनी पड़ रही है। हाल में ही दीपक जोशी बीजेपी छोड़कर चले गए, तो ऐसे कई सारे वरिष्ठ नेता हैं जो नाराज़ हैं, उनको मनाना है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बीजेपी के लिए बहुत नुकसान का सबब बन सकती है चुनाव के भीतर। युवाओं को जोड़ना है, इसको लेकर जो है बातचीत की गई। इसके अलावा ख़ासतौर पर जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं उसको ज़मीन पर लेके जाना है, उसको घर टू घर लेकर जाना है, बताना है कि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने क्या काम किए हैं। ऐसे काम चिन्हित किए गए हैं जैसे कि राम मंदिर बनाने की बात हो, धारा 370 हटाने की बात हो, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो, कन्या विवाह योजना की बात हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर काम करती हुई नज़र आएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जल्द ही उनके कार्यकाल के 9 साल पूरे हो रहे हैं, 2014 में जब उनकी सरकार बनी थी, और अब देखा जाए तो टोटल 9 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में बने हुए, खासतौर पर केंद्र में बने हुए पूरे हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे होने पर एक महीने का विशेष अभियान जो है वो भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उसकी चर्चा जो है, उसकी वृहद विस्तृत चर्चा जो थी वो कैबिनेट की, वो जो कार्य समिति की बैठक है इस समय उसमें चल रही है। ख़ासतौर पर घर घर जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी 30 मई से लेकर 30 जून तक चलाएगी, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे हो रहे हैं तो उसके एक महीने तक ये पूरा जो है अभियान चलाया जाएगा। और इस एक महीने के अभियान में तकरीबन 2 दर्जन ऐसे अरुण मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो हैं, सांसद, विधायक, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, ये सभी जनता के बीच में जाएंगे। तो कुल मिलाकर कमर कस ली है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि
न सिर्फ अपनी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी इस पूरे एक महीने का जो कैंपेन है, जो घर घर अभियान है, उसमें करती हुई दिखाएगी, बल्कि कांग्रेस की जो सरकार के जमाने में जो स्थिति मध्य प्रदेश की रही थी उसको भी जनता के बीच में बताया जाएगा। आज कार्य समिति की बैठक में उस पर भी चर्चा की गई कि आपको बताना है कि दिग्विजय सिंह सरकार में किस तरीके के हालात मध्य प्रदेश में बने हुए थे। लाइट नहीं थी, सड़कें नहीं थी, अच्छी शिक्षा नहीं थी, अच्छे स्कूल नहीं थे, और खासतौर पर जो एक हमने देख रहे हैं कि देशभक्ति की भावना मोदी सरकार में या शिवराज सरकार में देखने को मिल रही है वो कांग्रेस की सरकार में नहीं थी। तो ये तमाम चीजें जो हैं जनता के बीच में आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यकर्ता जमीन पर लेते हुए नजर आएंगे। जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमीन जी। आपको बता दें मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की बैठक हुई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पूरे देश में उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। बैठक में विभिन्न विषयों को लेकर रणनीति बनी है। सुशासन के 9 साल पूरे हुए हैं, उसके लिए विशेष कैंपेन चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों पर भाजपा जन चौपाल लगाएगी, जिसका आयोजन किसान मोर्चा के बैनर तले किया जाएगा, जो कि 1 जून से 10 जून तक चलेगा। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी केंद्रों पर इस चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ग्रामीणों और किसानों को कृषि में हो रही समस्याओं को लेकर संवाद किया जाएगा। इस चौपाल में सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, बीजेपी जो धान खरीदी केंद्र है उन पर जन चौपाल लगाएगी और सरकार की जो विफलता है उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी, क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? बिल्कुल अरुण, देखिए छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव है, तो जाहिर सी बात है जो दोनों राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी ओर से तमाम तैयारियां जनता तक अपनी पैक बनाने की कोशिश कर रही है। और छत्तीसगढ़ में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है वो धान का और किसान का मुद्दा होता है। ऐसे में अब आवश्यक है कि भाजपा भी धान और किसान के मुद्दे के माध्यम से जनता को अपनी ओर अपने पक्ष में खींच सके, और यही वजह है कि अब आगामी 1 जून से लेकर के 10 जून तक छत्तीसगढ़ के सभी जो धान खरीदी केंद्र है, सहकारी धान खरीदी केंद्र, इन सभी केंद्रों में भाजपा चौपाल लगाएगी। इस चौपाल के माध्यम से जो स्थानीय ग्रामीण होते हैं या फिर किसान होते हैं उन किसानों की समस्या एक संवाद के रूप में सुनी जाएगी, यानी कि सीधे हम कहें कि जो किसान है, ग्रामवासी है, उनसे भाजपा सीधे तौर पर संवाद करेगी। इस दौरान उनके बातें समझने की कोशिश होगी। इतना ही नहीं, किसानों को यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को जानने और उनके निराकरण के प्रयास में भाजपा जुटती हुई नजर आएगी। इसके लिए तमाम जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो सांसद रहें, विधायक रहें, जिला के अध्यक्ष रहें, स्थानीय तौर पर जो मंडल और बूथ के अध्यक्ष होते हैं, उन सभी पदाधिकारियों को भाजपा की ओर से जिम्मेदारियां भी दे दी गई है। और एक शब्द में इसे कहा जा सकता है कि इस चुनाव के मद्देनजर अब सीधे तौर पर आम नागरिकों से, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से, किसानों से भाजपा जुड़ाव करने के मद्देनजर इस प्रकार के आयोजन करने जा रही है। जी आकांक्षा, बताया जा रहा किसान मोर्चा के बैनर तले आयोजन किया जाएगा, कि किसान मोर्चा ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है? बिल्कुल, देखिए भाजपा किसान मोर्चा की ओर से ये आयोजन होना है। जाहिर सी बात है अरुण की भाजपा के अलग अलग मोर्चा और प्रकोष्ठ है, इन सभी मोर्चा प्रकोष्ठों में किसान मोर्चा प्रकोष्ठ जो भाजपा का है, किसान मोर्चा के बैनर तले ही इस चौपाल का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रत्येक जो सहकारी केंद्र होंगे, धान खरीदी केंद्र, उन सभी केंद्रों में भाजपा चौपाल के माध्यम से सबसे पहले संवाद करेगी। जो स्थानीय ग्रामीण होते हैं, किसान होते हैं, उनसे संवाद कर उनकी समस्या जानने की कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ा विषय ये इसमें कहा जा सकता है कि इन्हीं के ही बीच से जो मुद्दे निकल करके सामने आएंगे, जो किसानों की समस्याएं होंगी, जो परेशानियां होंगी, इसे भाजपा आगामी चुनाव में भुनाने की भी कोशिश कर सकती है। जी अरुण, आकांक्षा इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी कुछ कहा गया, क्योंकि 1 से 10 जून तक बीजेपी इस तरीके के कार्यक्रम कर रही है? बिल्कुल, देखिए
कांग्रेस इसे सीधे तौर पर एक चुनावी एजेंडे के रूप में मान रही है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि कांग्रेस सरकार में इस वक्त जो प्रदेश के किसान है वह काफी खुशहाल है। किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को हर एक सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश के किसानों के धान की जो खरीदी होती है इसकी मात्रा में भी इस बार वृद्धि कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से एक निर्णय भी लिया गया है। अरुण, आपको जानकारी भी होगी, प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान किसानों से खरीदी जाए। तो कांग्रेस का सीधे तौर पर ये कहना है कि भाजपा मनगढ़ंत आरोप लगा करके और महज चुनावी मुद्दा बनाने के लिए इस प्रकार का आयोजन कर रही है और इन आयोजनों के माध्यम से भाजपा को चुनाव में किसी प्रकार की सफलता नहीं मिलेगी, ये आरोप भी कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आकांक्षा, आपका आपको बता दें छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों पर भाजपा जन चौपाल लगाएगी, जिसका आयोजन किसान मोर्चा के बैनर तले किया जाएगा। ये आयोजन 1 से 10 जून तक किया जाएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही बागी नेताओं की घर वापसी का दौर शुरू हो गया है। 2016 में बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने आज एक बार फिर कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सुभाष महरिया के साथ पूर्व IPS गोपाल मीणा, पूर्व IPS रामदेव सिंह खैरवा, पूर्व IAS PR मीणा, डॉक्टर नरसिंह किराण ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में महरिया ने आज एक बार फिर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान महरिया ने कहा कि फिर से अपने परिवार में आकर खुशी महसूस कर रहा हूँ। पार्लियामेंट के इलेक्शन में लड़ा है, उसके पहले वहाँ सीकर लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता और वहाँ का मतदाता होने के नाते मेरे हजारों लोगों से संपर्क है, सब लोगों से बात हुई और उसमें एक बात निकल के आएगी, इलेक्शन लड़ना चाहिए तो इलेक्शन कांग्रेस से लड़ने का। सर, अपने 5 सालों कांग्रेस से लड़ा, कहने से गए थे किसी नेता से बातचीत करके गए या कोई तो लेगा आपको कांग्रेस में लिया होगा? कांग्रेस में जो भी नेता काम करते हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन में। आपको बता दें राजस्थान में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने आज एक बार फिर कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही उनके साथ पूर्व IAS और कई पूर्व IPS अधिकारियों ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। महरिया ने कहा है कि बीजेपी में वापस आने पर आज खुशी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके का माहौल है वहां रहने का बिल्कुल मन नहीं है, इसीलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। राजस्थान से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बागी नेताओं की घर वापसी का दौर शुरू हो गया है। 2016 में बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने आज एक बार फिर कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको सीधे राजस्थान लिए चलते हैं जहां से स्टेट हेड पूजा जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, घर वापसी का दौर चल रहा है, कांग्रेस को झटका लगा है क्योंकि कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों ने बीजेपी का दामन थामा है। बिल्कुल, देखिए आपने अरुण सही कहा कि वापसी का दौर शुरू हो गया है। जैसे जैसे राजस्थान में चुनावी समय आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीति में पलटवार होते नजर आ रहा है। केवल 6 महीने जो है चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बचे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस को एक बड़ा झटका मिला है और बीजेपी में कहीं ना कहीं खुशी की लहर आई है। आपको बता दें कि 2016 में बीजेपी से किसी बात से नाराज हुए कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया आज फिर से एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उसको बीजेपी में यानी कि उनके परिवार में आकर के बहुत खुशी हुई है। आपको बता दें कि आज उन्होंने बीजेपी ऑफिस में सदस्यता ग्रहण की और इतना ही नहीं, महारिया ने कहा कि मुझे अपने परिवार में आकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है और अब जो पार्टी मुझे देगी, जो भी काम देगी, जो भी पद देगी, मैं उसे अच्छे से निभाऊंगा और अच्छे से कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा ताकि बीजेपी पार्टी मजबूत हो और विधानसभा चुनाव में एक अच्छा काम कर सके। पूजा, देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सुभाष महरिया मौका परस्त नेता है, जिस ओर सत्ता जाने की संभावना होती है उस ओर भाग जाते हैं। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि अब जैसे ही कांग्रेस की पार्टी छोड़ी उन्होंने, क्योंकि 6 साल बाद में जो है सुभाष महरिया ने कांग्रेस का दामन छोड़कर के बीजेपी को ज्वाइन किया है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के नेता तो अब बयानबाजी करेंगे ही, क्योंकि फिर से बीजेपी में आना कांग्रेस के नेताओं के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है और इससे कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा, तो उनके लिए बयानबाजी करना जाहिर सी बात है। साथ में आपको बता दूं कि देखिए सुभाष महरिया ने पिछले 6 साल तक अच्छे से कांग्रेस के साथ में काम किया, उनकी नीति किस तरीके से वो जनता के बीच में काम करते हैं, क्या कुछ सरकार ने किया, वो सारी चीजें देखी और अब जैसे ही वो बीजेपी में आए
बीजेपी के साथ जुड़ गए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत खुशी की बात है। और अब इस तरीके से अब जो है बीजेपी पार्टी एकजुट होकर के एक मत बना करके एक प्लान बना करके अच्छे से विधानसभा चुनाव को तैयार करेगी और लोगों के बीच में जाकर जनता के वोट लुभाने की कोशिश करेगी। अरुण जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा जी, आपका, आपको बता दें राजस्थान में बागी नेताओं की घर वापसी का दौर शुरू हो गया है। 2016 में बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष मेहरिया ने आज एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही आईएसपीआर मीणा डॉक्टर नरसिंह राण ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की समीक्षा के साथ बहुजन समाज पार्टी में बड़े बदलाव किए गए हैं। 4 मंडलों पर कोऑर्डिनेटर रखने की व्यवस्था खत्म की गई है। अब 4 की जगह 3 कोऑर्डिनेटर रखे जाएंगे। इसके तहत शमसुद्दीन रायनी को 3 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें कानपुर, मेरठ और सहारनपुर शामिल हैं। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक ली, जिसमें 8 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही मायावती ने सत्ताधारी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां बसपा में बड़े बदलाव किए गए हैं। मंडलों पर रखे जाने वाले 4 कोऑर्डिनेटरों की व्यवस्था को खत्म किया गया है। अब 4 की जगह 3 कोऑर्डिनेटर रखे जाएंगे। इसके तहत शमसुद्दीन रायनी को 3 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें कानपुर, मेरठ और सहारनपुर शामिल हैं। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक ली, जिसमें 8 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा सत्ताधारी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश से एक खबर आपको बता रहे हैं, जब बसपा ने पार्टी में बड़े बदलाव किए हैं। जिलों पर रखे जाने वाले 4 कोऑर्डिनेटरों में से 3 कोऑर्डिनेटरों को रखा जाएगा। इसके लिए शमसुद्दीन रायनी को 3 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें कानपुर, मेरठ और सहारनपुर शामिल हैं। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक ली, जिसमें 8 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही मायावती ने सत्ताधारी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश से खबर आपको बता रहे हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता निधि मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। निधि, बसपा ने बड़े बदलाव किए हैं, क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं? है कि मायावती ने लगातार बड़े बड़े बदलाव किए हैं। उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जहां एक और उत्तर प्रदेश में 4 कोऑर्डिनेटर की जरूरत थी, उसे पूरी तरह से उस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 3 कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था रखी गई है। और लगातार क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सपा बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार एक के बाद एक समीक्षा कर रही है। और ये जो बैठक है वो आपको बता दें कि वो निकाय चुनाव के बाद उसकी समीक्षा की बैठक है, जिसमें लगातार क्यों हार हुई, क्या क्या बिंदु है, उसे लेकर मायावती ने इसकी मीटिंग की है। और इसके साथ साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिला अधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन सभी को इस बात को दिशा निर्देश किए हैं कि क्या कुछ बदलाव आने और बाकी हैं। उसके साथ साथ जो सत्ताधारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उस पर भी खूब सारे कटाक्ष किए हैं। कटाक्ष में उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी और जितने तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं जिससे जनता पूरी तरह से त्रस्त है, उसे लेकर भी सामने रखा है, उस समस्या को भी सामने रखा है। उसके साथ साथ जनता में लोकतंत्र जिस तरह से खत्म होने की जो चिंताजनक बिंदु है उसे भी सामने रखा है। निधि, बताया जा रहा है कि मायावती ने 8 बिंदुओं पर चर्चा की है, वो कौन कौन से 8 बिंदु हैं जिन पर मायावती ने चर्चा की है? जी अरुण, मैं आपको बता दूं कि जो 8 बिंदु हैं वो तमाम तरीके की बातचीत है, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना प्रेरणादायक मानते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए बिना रुके बिना हारे अपनी जीत को आगे रखने की बात कही है। उसके साथ साथ दूसरा बिंदु ये भी है कि जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहती है कि जो सरकारी मशीनरी है उसके साथ छेड़छाड़ की गई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को लेकर उन्होंने जो है निशाना साधा है। उसके साथ साथ आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बात को भी बताया है कि क्या कुछ आने की रणनीति रहेगी बसपा की, इस बात को भी सामने रखा है। और तमाम से मुद्दे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने धन्यवाद किया है क्योंकि निकाय चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं, ऐसे में जहां जहां उनकी जीत हुई है उसे लेकर जनता से धन्यवाद किया है और तहे दिल से धन्यवाद किया है कि इस समय
पर जिस तरह से, क्योंकि चुनाव में लगातार वो ईवीएम को दोषी मानती रही हैं, ऐसे हालात में जनता ने उन्हें जहां जहां जीत दिलाई है वहां पर भी उन्होंने जनता को धन्यवाद किया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निधि आपका। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक ली है जिसमें 8 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही मायावती ने सत्ताधारी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है। फरीदाबाद के सीकरी इलाके में एक हैवान बाप ने अपने ही दो मासूम बच्चों को कुएं में फेंक कर मौत के घाट उतार दिया। यह दिल दहला देने वाली घटना सीकरी पुलिस चौकी इलाके की है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक बच्चों में बड़ी बेटी मृतका बिंदु की उम्र 5 वर्ष थी और बेटे निक्की की उम्र 4 वर्ष थी। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता ने दूसरी शादी की थी और यह दोनों बच्चे पहली पत्नी के थे। लड़ा वो क्या दारू पी के रोज मारता था, बच्चे को लेके चले गए वहाँ से। जाके वो मेरे को पता नहीं चला, कब को मिट्टी में डाल दिया। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं, क्या काम करते थे आपके हस्बैंड? कंपनी में लग रही थी। अच्छा, कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? मेरे को यहाँ से 1.5 साल हो। मैं तो जी थोड़ा लेट पहुँचा। मेरे को जी बताई मेरे जो दुकान वाले नकुल नामनों का, उन्होंने बताई मेरे को कि नसीम भाई जल्दी आ जाओ, ऐसा ऐसा कि कोई पानी में गिर गया है। उन्होंने भी नहीं मालूम थी कौन गिर गया है, तो उन्होंने मेरे पास कॉल करी तो मैं एकदम घर से निकल के भागा। आध घंटे पहले की बात ले रहे थे, तो वहाँ से मैं गया, तो मैं आ रहा था तो मुझे पता पड़ी कि वो हमारे भाई के बराबर में घर है एक, तो वहाँ से वो उसकी मम्मी सीढ़ी लगा रही थी, तो वहाँ से सीढ़ी लेकर भाग गया। मैं वहाँ से सीढ़ी लेके गया हूँ, वहाँ पर जाकर मैंने अंदर कुएं में गिर दिया वो। ये आज हमारे को सिकरी चौकी के अंदर एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिस पर हमारा चौकी इंचार्ज वहाँ पे मौके पे पहुँचा था और SHO भी मौके पे गया, मैं भी पहुँचा हूँ मौके पे। तो वहाँ पे एक ये पलवल से पीछे रहने वाला इंसान है, मरोली गांव से, तो ये यहाँ पे फरीदाबाद में रहता था। इसकी दो शादी, एक शादी पहले हुई थी जो बीबी एक्सपायर हो गई थी, फिर इसने दूसरी शादी कर ली। पहली वाली बीबी के 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का एक 5 साल का। जी लड़ा वो क्या दारू पी के रोज मारता था, बच्चे को लेके चले गए वहाँ से। आपको बता दें, हरियाणा के फरीदाबाद के सीकरी इलाके में एक हत्यारे बाप ने अपने 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता जितेंद्र वैनीवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या उस हत्यारे बाप को गिरफ्तार किया गया है जिसने 2 मासूम बच्चों की जान ली है? फरीदाबाद के सीकरी गांव का ये पूरा मामला जहाँ एक पिता ने अपने 2 बच्चों को कुएं में डालकर उनकी हत्या कर दी है। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जिस तरह की जो बच्चे की जो उम्र है, एक की 5 साल की है, दूसरे की 4 साल की, दोनों एक लड़की है एक लड़का, जिसको लेकर वो कुएं में कूद गया जिसके कारण दोनों बच्चों की मौत हो गई है। और कुएं में जो पानी था 5 से 4 फीट के गहराई का पानी, उसका बताया जा रहा है और जिसमें बच्चों की मौत हो गई है, पिता बच्चिया। तो वही जिस तरीके से जो वहाँ के लोग थे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कुएं में से उसको निकाल कर उसके पिता को निकाल लिया, बच्चे के निकल पर बच्चे मर चुके थे। उनके पुलिस वहां पर पहुंची, घटना की सूचना मिलने के बाद जो बच्चों को वास्तकाल अस्पताल के उसमें पोस्टमार्टम के लिए उसके सबको रखा गया है। फिलहाल पुलिस ने SI दर्ज कर दी है और पिता जितेंद्र हत्या की वजह सामने आई है, हत्या क्यों की गई है? बिल्कुल ऐसा बताया जा रहा पुलिस के मुताबिक, जो जो 2 बच्चे थे वो पहली पत्नी के थे, वो पहली पत्नी मर चुकी थी, उसी को लेकर दूसरी पत्नी है उससे झगड़ा रहता था कि उस लगातार, तो उसी को लेकर जो झगड़े की बताया जा रहा है कि झगड़े के कारण दोनों बच्चों को लेकर वो कूदा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और SI दर्ज कर दिया। और जो उसकी दूसरी पत्नी, क्या पत्नी हत्या का दबाव बनाती थी इस वजह से हत्या की गई है? बिल्कुल, जिस तरह की जो दूसरी पत्नी है उससे पूछताछ की गई थी तो उसने साफ तौर पर यही बताया है कि जो बच्चे ऐसे उस शराब पीकर उसे मारता था, पीसता था और मुझे भी मारता था, इसी वही कारण है जिसके कारण उसने ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस उस बच्चे जो दूसरी माँ उससे भी पूछताछ करेगी, अगर वो दोषी पाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, हरियाणा के फरीदाबाद के सीकरी इलाके से खबर मिली है जहाँ एक हत्यारे बाप ने अपने 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है।
5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।